फॉलो करूँ सर, फॉलो कर। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर राजघाट पहुंचे। राजघाट से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। 152वीं जयंती बापू की और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज बापू की 152वीं जयंती और यहाँ पर जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे उस वक्त यहाँ पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद थे। कई और सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान लोग भी यहाँ पर मौजूद थे और आज पूरा देश बापू की 152वीं जयंती को मना रहा है। ये देखिए दो तस्वीरें, एक तरफ ओम बिरला, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रकाशित किया है, प्रकाशित किया है, मैं तेरी शरण में जाग उठा हूँ। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार। ईसा ये विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वे कहते हुए उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञादेश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। तो एक बार फिर दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में सोनिया गांधी आपको नजर आ रही हैं जो बापू को यहाँ पर नमन करने के लिए पहुंची, श्रद्धांजलि देने पहुंची, और दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे। और दो तस्वीरें आज महात्मा गांधी यानी देश के राष्ट्रपिता की जयंती है, 152वीं जयंती है, और इस खास मौके पर देश की तमाम गणमान्य हस्तियां जो हैं वो राजघाट पहुंच रही हैं। लगातार सुबह से नेताओं के राजघाट पहुंचने का सिलसिला जारी है। दो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सोनिया गांधी ने पहुंच के श्रद्धांजलि दी, उसके बाद बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी यहाँ मौजूद थे। कई और गणमान्य हस्तियां जो हैं वो भी यहाँ पर बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची हैं। तो आज 152वीं जयंती का ये खास मौका, बापू जिनके नाम पर आज इंटरनेशनल अहिंसा डे वो भी मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस बापू की याद में 14 साल पहले शुरू हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी आज है। बापू ने पूरी दुनिया को पाठ अहिंसा का पढ़ाया और यही वजह है कि दुनिया के अलग अलग कोने से लोग बापू को नमन कर रहे हैं। लेकिन ये दो तस्वीरें अपने आप में खास हो जाती हैं क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के टॉप लीडरशिप जो है वो यहाँ पर बापू को नमन करने के लिए पहुंची है और ये दर्शाता है कि विचारधाराएं अलग अलग पार्टियों की हो सकती हैं, लेकिन जहां पर बात बापू की आती है वहां पर हर कोई एक हो जाता है। और यही वजह है कि सुबह सुबह ही, चाहे वो सोनिया गांधी हों या प्रधानमंत्री मोदी हों, दोनों पहुंचे, बापू को नमन किया। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तस्वीरें राजघाट की हम आपको दिखा रहे हैं और इन तीन तस्वीरों में तीन अलग अलग बातें आप साफ देख सकते हैं। जैसा कि शुभांकर भी कह रहे थे कि देश की यही खूबी है कि अलग अलग विचार हो सकते हैं, अलग अलग व्यवहार हो सकते हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय एकता की बात होती है तो सभी एक साथ, एक जगह, एक भाव से इकट्ठा होते हैं। और महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय एकता के प्रतीक है और हर व्यक्ति जो भारत में जन्मा है उसके मन में बापू के प्रति यही श्रद्धा है, यही प्रेम है। और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि पूरी दुनिया, पूरा संसार जो है इस वक्त महात्मा गांधी को याद कर रहा है, उनके आदर्शों को याद कर रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी, सोनिया गांधी भी वहां पहुंची, उन्होंने भी पुष्प अर्पित किए और बापू को याद किया। और केजरीवाल की तरफ से भी बापू को याद किया गया। अहिंसा और सत्य का मार्ग, यही उनका पूरा जीवन रहा है। और जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा है कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, तो निश्चित तौर पर एक ऐसा जीवन जीने का प्रयास किया था महात्मा गांधी ने कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो संदेश छोड़ जाएं। और हर जीवन के छोटे छोटे वाक्यों से उन्होंने यही संदेश देने की कोशिश की, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे फिर व्यवहारिक जीवन की बात हो। और यही संदेश उनके पूरे जीवन में हमें दिखता है। आज भी जब महात्मा गांधी की बात होती है, आज भी जब विपरीत परिस्थितियों में देश को स्थिर रखने की बात होती है, तो महात्मा गांधी का नाम आता है और महात्मा गांधी के संदेशों की बात होती है। 2 अक्टूबर के दिन न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में इस विश्व पुरुष को याद किया जाता है, उनके योगदान को याद किया जाता है। और याद कीजिए कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं, कई ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने महात्मा गांधी के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने देश के अंदर मूलभूत सुधार किए। और न सिर्फ सुधार किए बल्कि आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका हो या फिर लैटिन अमेरिकी देश। कई ऐसे राष्ट्र हैं जहां पर महात्मा गांधी को इसी तरीके से देखा जाता है कि उन्होंने जो मार्ग दिखाया उसमें कैसे आप एक रेसिस्टेंस दे सकते हैं, वो भी बिना किसी हिंसा के। अहिंसा का मार्ग अपनाकर आप विरोध जता सकते हैं, आप ताकतवर से टकरा सकते हैं और आप सत्य के रास्ते पर चल सकते हैं। तो भारत जैसी भूमि पर महात्मा गांधी का जन्म लेना और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अग्रिम भूमिका होना, ये अपने आप में दिखाता है कि पूरा का पूरा एक दर्शन था उनके जीवन में, और जो कहीं ना कहीं भारत के पूरे अतीत को अपने आप में समेटे हुए था। आज जब महात्मा गांधी के बारे में हम सोचते हैं, उनके बारे में हम देखते हैं, पलटकर जब उनके जीवन से जुड़ी बातों को याद करते हैं, तो निसंदेह हम आने वाली पीढ़ियों को वो मार्ग दिखाने की कोशिश करते हैं जिस पर भारत सदियों से चलता आया है। और शायद जब प्रधानमंत्री अलग अलग मंचों से इस बात का जिक्र करते हैं तो उनके मन में भी यही बात होती है कि भारत की पीढ़ियों को ये बात बताई जाए कि इस धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति चला था जिसने अहिंसा के मार्ग को पकड़कर दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को परास्त किया था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।